है टॉप एंड गाइस की एफजी 250 टॉप एंड ना है सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल का कैसे हो आप लोग मास्टर तो आप थे हो सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं वृंदावन के लिए तो भाई निकले तो भाई 2 घंटे हो गए अभी ना हम यमुना स्पेस पे पार करने वाले हैं फिलहाल अभी यमुना स्पेस खड़े हैं पच्चीस की माइलेज थी आज मुझे लगता है 30-35 की माइलेज गई है जिस वे पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है ये भी हम एक्सप्लोर करेंगे कि इस रास्ते पे आप निकले तो कम से कम अपने फ्यूल टैंक कंप्लीट करके निकले भाई ये राइड ना एक ड्रीम राइड थी ना भाई कब से सोच चलो 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 भाई ये राइड अब कंप्लीट होने जा रही है अपनी फिलहाल में ये ड्रीम राइड कह लो भाई जो राइड मैंने फर्स्ट टाइम करा मेरे लिए तो ड्रीम ही होगी है भाई वृंदावन यहाँ से बस 120 किलोमीटर आ चुका है हमने 60 किलोमीटर कवर कर लिया है तो अभी चलते हैं ना कुछ ढाबे पे रुकेंगे खाएंगे पियेंगे बड़े चाय भूख लगी भाई चलते खाएंगे भैया सो गाइस फाइनली निकल चुका मैं यहाँ से बढ़िया रील वगैरह बनाई फोटो वगैरह शूट करी भाई इतनी मस्त फोटो आई रही एक नंबर झकवा झका फोटो है खतरनाक खतरनाक वाली मस्त मस्त भाई पता मेरे भाई पेट्रोल खत्म होने वाला है अभी सोए ना आगे निकल चुके हैं खत्म हो गए ना यहाँ पे भाई सिस्टम हैंग हो जाएगा बस यार 3 किलोमीटर पेट्रोल पंप आगे फिर डलवाएंगे पेट्रोल पंप ना ये भाई भाई वृंदावन आज तक अभी क्या नहीं है फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वृंदावन ये ले भाई मेरी ड्रीम राइड है फाइनली पेट्रोल पंप 0.5 किलोमीटर यानी कि हमारे सामने जस्ट वहाँ पे पेट्रोल पंप दिख रहा है मुझे ये वही रोड है जहाँ पे अपना अगस्त भाई का एक्सीडेंट हुआ था भाई ये रोड जितना अच्छा लगा देखने में ये रोड उतना ही बेकार है पता आपको ये बंदे इस रोड चढ़ते पूरे खाली है सामने सामने कुछ भी नहीं भाई इस पर आप टूर इंडिया टच मार दो आराम से भाई किसी बाइक भी जाओ भाई पूरे इंडिया में रोड है सर ना पूरे इंडिया में रोड है भाई ये वाला खतरनाक यहाँ पर टूर इंडिया टच मार दो आराम से यहाँ का हो गया भाई साहब पेट्रोल खत्म होने वाला लग रहा भाई इसकी मार रही बार बार ना और इस रोड भाई पेट्रोल दूर दूर कहीं भी नहीं है एक ही पेट्रोल में दूर दूर कहीं भी यहाँ से वहाँ तक पूरा खाली पड़ा है अभी तो गंद वाली फट रही है पेट्रोल खत्म हो गया ना भाई धक्के मारना आना पड़े पैर ला के भाई एक दिन तुम्हारा भाई भी इस रोड पे ना भाई सुपर बाइक लिखा के देख रहा हूँ ये तुमसे वादा है मेरा एक दिन मैं इस रोड पे अपनी सुपर बाइक लेके आऊँगा मिल गया मैं भाई हाईवे से नीचे कम से कम भाई 15 किलोमीटर दूर था वहाँ 15 किलोमीटर भाई तो अभी बंद चालू हो रही है चलो चल अब चल जा भाई पेट्रोल मिल गया भाई साहब खतरनाक सिस्टम था और चेक करो पेट्रोल पंप देख रहे हो फाइनली पहुंच गए यहाँ पे हम रात गाड़ी पेट्रोल टंकी फुल सो बस आज चेक करेंगे टंकी फुल कितने में होती है करना का टंकी फुल 1200 कितने डालना है फुल करना है नहीं वो चलेगी फीडिंग बगैर फीडिंग के नहीं चलेगी मतलब फीड के चलेगी मशीन ये करो फुल नहीं होगी 1200 कितने डलवाऊं मतलब ले ले। बस ऐसे नहीं बोल रहे और मैं कह रही हूँ ऑनलाइन मशीन है और मशीन चल रही है ऑनलाइन नहीं लेगी पैसे आप ऑनलाइन लोगे पैसे ऐसा बोल दो ना डालो डालो फुल करो सारे को पूरा बस बस पूरा टंकी फुल है पूरा ऊपर तक 1250 हो गया सही डाला है 750 यहाँ डाला है 1250 हाँ क्योंकि 10 साल हो गए काम करते करते हाँ आराम से भाई ये तो आराम से कुछ भी नहीं है अक्सर पेट्रोल और हवा दोनों डलवा दी बढ़िया सिस्टम करके भाई टायर देखो चलिए ना अभी अभी चलिए ना अब चलेगी मस्त देखना ये क्या हो इसको भाई नया टायर है पूरा एक नंबर का परफेक्ट लग गया इसमें ना चलता है इतना तो कोई दिक्कत नहीं है बाकी दोनों हवा कर दे बढ़िया एक नंबर है टर्न टोना टर्न करती है अब जाइए देखना उड़ती हो बाइक कितनी मस्त लग रही देख रहे हो डायनेमिक कम बैक ये सही है अब यहाँ ना थोड़ा खाने सिस्टम है वहाँ जाएंगे अभी 20 डलवा रहे पेट्रोल
पेट्रोल की हवा डलवा रहे अब तो। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए अपने होटल के अंदर, अपना खाना बना दिया बढ़िया भाई। फुल भीड़ है, बहुत भीड़ है, यहाँ सस्ते पता रहा। पराठे और चाय आ चुका हमारे, देख रहे हो। अब बैठे हैं स्टारबक्स में, ये बार पीस भाई मेहरबानी है पीस भाई। सो गाइस फाइनली हमने पराठे वराठे खा लिए बढ़िया भाई, स्टारबक्स में बैठ के पराठे खा रहे थे स्टारबक्स में पराठे भाई। बेइज्जती कर रहा पैसा देख लो मेरी, मैं आपको क्या कहता है बर्गर किंग तो मिलता है, बर्गर किंग नहीं मिलता 85 किलोमीटर यहाँ से ना वृंदावन सीधा वृंदावन। हाँ 85 बोलने ना 85 सीधा वृंदावन यहाँ से। तो खड़ी अपनी बाइक पार्किंग में, पता अंदर ना बहुत शोर सा हो रहा था इसलिए अंदर ब्लॉकिंग कर नहीं पा रहा था। कैसे अपना ना इंजन सा थोड़ा टपक रहा है यहाँ से ना, शायद पैकिंग ना देखो ढंग से हुई नहीं है वाली। ये बैड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ मिला, सब दूर था अब बैड हुआ है, कोई नहीं करवा लेंगे यार, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बाकी नहीं चलते, मज़ा आएगा। धूप हो रही है, बाय बाय अपना ढाबे को बाइक करते थोड़ा वॉक वॉक तो हो जाए, इतनी गर्मी पहली पड़ रही भाई। ओ भाई साहब पावर है, इसके मैं टॉप एंड लगाऊंगा देखना, टॉप एंड अब लगाऊंगा देखना। ये बोले बाबा साथ देना बस मेरा, अब यमुना स्पेस पे तुम्हारा भाई टॉप एंड लगाया इसकी FG 250 टॉप एंड, मज़ा आया जी। फर्स्ट टाइम टोल भरा हमने अपनी बाइक का इतने सालों बाद, अभी था 165 टोल भर दिया, फर्स्ट टाइम भरा एक साल में। गाड़ी का RPM अपना बढ़ चुका है, बस सेट करवाना पड़ेगा टॉप एंड चक्कर भाई, गलत मैंने रिसेंट टॉप एंड ले लिया, अच्छी वाली चल रही थी। भाई चेक करो इसमें अपने आप क्रूज कंट्रोल मोड ऑन हो चुका है, अपने आप देख लो क्रूज कंट्रोल मोड ऑन, 60 किलो हो रखा है 60 में, अपने आप जाएगी देख जहाँ तक जाएगी अपने आप जाएगी अपने आप। भाई साहब बढ़िया है, एक नंबर भाई एक नंबर बाबा। घूमेंगे ना जब दिखाएंगे आपको शाम में। हेलो गाइस फाइनली हम रेडी वेडी हो गए हैं, निकल गया था आप रेडी नहीं हुए? मैं तो रेडी हूँ, हीरो भी रेडी नहीं हूँ भाई, अपने ऑटो से निकल गए थे अभी, अब जा रहे हैं ना प्रेम से जाएंगे ना, प्रेम से जा रहे हैं ना, ओनली प्रेम से जाएंगे, बाकी बाकी भी RP गए तो बहुत भीड़ रहा है वहाँ पर ना, वहाँ पर घूमे नहीं हम, वहाँ जाएंगे वहाँ पर आराम से, यहाँ भीड़ नहीं ना वहाँ जाएंगे, सबसे बड़ा संडे राइड में मिलेंगे हो सके तो भाई, चलते ना मंदिर वहाँ दिखाते हैं, रिक्शे में थोड़ा अंधेरा हो रहा है बाकी ना। तो अंकल ने छोड़ दिया हमें, अंकल को बाय करते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से राधे राधे। लो जी भीड़ चेक करो, देख रहे हो भीड़ ही भीड़ है, करना भाई करना
भाई चेक करो, ये पुलिस भाई ने बहुत करा बचपन में। तो भाई फुल तगड़ा वाला मॉल बना वहाँ पे ना भाई, सब नाच रहे फुल मगर। लो जी एंट्री गेट हो रही है, यहाँ से हम आते हैं, वहाँ से हमारी बाइक ही लगती। ये तो है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, नेक्स्ट टाइम आएंगे पता नहीं भाई, पता नहीं। हाँ आएंगे, बट सिस्टम से आएंगे। लो जी चेक करो मंदिर कितना मस्त लग रहा है, एक नंबर मॉल है, खतरनाक वाला। राधे 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 राधे। भाई तुम्हारा देखो फिर से वहाँ भीड़ हो रही है, खतरनाक वाली, देख रहे हो आपको। तो भाई बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, गंदा वाला देखो, बहुत भीड़ है। तो गाइस ये प्रेम मंदिर का बैक साइड है, और उस साइड ना फ्रंट था, दोनों साइड फुल भीड़ है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। लो जी चेक करो, सबसे बेस्ट मुझे यही लगा यहाँ पर अभी तक ना, एक नंबर लगा देखने में, सबसे बेस्ट यही ना भाई, सबसे बहुत देर से भाई हम बैठ गए यहाँ पे ना, शॉर्टकट लगा के बैठ गए, अब बस की नहीं भाई चलना ना, बुरा हालत ख़राब हो गया गंदा वाला। बगल में भीड़ देखो, बहुत भीड़ है भाई यहाँ पे ना, पब्लिक भरी पड़ी भाई, 5-6 लाख पब्लिक है, मैं लग रहा है पूरे में, इतना तगड़ा माहौल है। लो जी आज का हमारा लास्ट थाली है वृंदावन का ना, चलो ये भूख खान लेके ना होटल वाले। सुभाष वृंदावन से आया, मुझे अभी 2 दिन हो चुके हैं, और आपने पूरी वीडियो देखी होगी, आपको पता लग गया होगा क्या कांड हुआ मेरे साथ, कांड क्या होता है, क्या क्या सीन हुआ। और कैसे बाइक खराब हुई भाई, पता क्या बाइक चल रही थी अपना अपना यमुना एक्सप्रेस वे पे 148-147 गई थी, अपना अपना स्कॉर्पियो हाई हो गया, अब मैं आप 90-95 भाग लगी बाइक अपने आप ही, अपना स्कॉर्पियो डाउन नहीं होता, भगे जा रही बस। जैसे भी इंदौर पहुँचा वहाँ इतना जाम था ना, तो मैंने क्लच दबा चलाई ब्रेक चौथे गियर में, 5वें गियर में, उसके बाद क्लच फिट गिर गया पूरा। मुझे आके यहाँ पता लगा, आधे समय में वैसे सेम वैसे लेके आया, चौथे गियर में गाड़ी जाम हो या स्पीड हो हर जगह वही चल रही थी, 5वें गियर में गाड़ी जिन लगी थी, दिल्ली में जाने लगे अपने दिखवाया कल मैंने शोरूम में, कह रहे भाई से क्लच पेड लिया नया क्लच पेड, और FI का एक सेंसर होता है, वो सेंसर उड़ गया उसका, जिसकी वजह से RPM बार बार हाई हो जाती है, ये दोनों काम करवाएंगे क्लच जैसे दिन में, और इसी हद तक लोग को एंड मिलते हैं।